हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पनीर कोफ्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बड़ा ही डिलीशियस डिश है। इसका जायका आप टेस्ट करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये जायकेदार रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट लिखना मत भूलिए। तो चलिए हम पनीर कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। पनीर कोफ्ता बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है, हमने 150 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है, 150 ग्राम आलू को उबाल के हमने मैश लिया है, 2 मीडियम ओनियन को हमने पेस्ट बना लिया है, 3 मीडियम साइज टोमेटो का हमने प्यूरी बना लिया है, 10 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को हमने पेस्ट बना लिया है, 10 से 12 काजू का हम पेस्ट बनाएंगे जिसे हम ग्रेवी में डालेंगे, 1/2 कटोरी हमने होममेड क्रीम लिया है, 8 से 10 काजू को हमने टुकड़े में कर लिया है, उसे हम फिलिंग करेंगे। यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच मैदा लिए हैं, जितना जरूरत होगा उतना हम यूज करेंगे। फोरन में हम 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी एस्टी, 8 से 10 लौंग, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 12 से 15 ब्लैक पेपर, तेज पत्ती, छोटी इलायची हम यूज करेंगे। मसाले में हम धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला यूज करेंगे। फ्राई के लिए हम कुकिंग ऑयल यूज करेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें ग्रेटेड पनीर को डाल देंगे, साथ में मैश किया हुआ हम आलू डालेंगे। हमने 150 ग्राम पनीर, 150 ग्राम आलू लिया है तो हम ए मीडियम साइज स्पून से 2 स्पून मैदा डालेंगे। मैदा ये बाइंडिंग का काम करता है। अभी हम मैशेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा और डालेंगे। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मैशेंगे। पनीर आलू को मसाले के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें से 1 नींबू के बराबर डो निकालेंगे और इसे बॉल बना के देखेंगे तो अच्छे से बॉल बन जा रहा है, तो ऐसे ही हम इसे बॉल बनाएंगे। सबसे पहले हम हाथ को क्लीन करके ग्रीस करेंगे। हथेली में हम थोड़ा सा तेल लेंगे और हथेली को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और हम इसमें से 1 छोटा सा बॉल निकालेंगे और इसे गोल करेंगे और बीच में हम प्रेस कर देंगे। ऐसे हम प्रेस करेंगे। 1 चम्मच काजू लेंगे और बीच में ऐसे रख देंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हम इसे अंदर की तरफ दबा लेंगे और हथेली से गोल करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये अपना कोफ्ता का बॉल तैयार है। अब हम इसे सूखे मैदे में डालेंगे और ऐसे ऐसे घुमा लेंगे। इससे क्या होगा, एक लाइटली कवरिंग हो जाएगा तो तेल में अपना कोफ्ता फैलेगा नहीं। और इसे हम ऐसे झाड़ के और एक प्लेट में रखते जाएंगे तो ये अपना फाइनली कोफ्ता तैयार हो गया। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते को स्टफ करके और रख लेंगे। तो हम थोड़ा सा डो निकालेंगे और इसे हथेली पे प्रेस करके फ्लैट कर लेंगे। बीच में हम थोड़ा सा काजू डालेंगे और इसे गोल कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसे कोई भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। और इसे हम गोल कर लेंगे।
अब इस कोफ्ते को हम मैदे में हल्का सा ऐसे घुमा लेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर से कवरिंग तैयार हो जाएगा और इसे हम प्लेट में निकाल के रख देंगे। तो बाकी के कोफ्ते भी हम ऐसे तैयार करेंगे। कोफ्ता को हमने मैदे में निपट के तैयार कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम उसमें एक एक बॉल को छोड़ेंगे। तो ऐसे हम एक एक बॉल को छोड़ देंगे। एक बार में जितना कोफ्ता आ सके उतना हम डालेंगे और इसे हम 1.5 से 2 मिनट एक साइड में फ्राई होने के बाद ही पलटेंगे, नहीं तो अपना कोफ्ता टूट सकता है। कोफ्ते को हमने चला के मीडियम गैस पे फ्राई कर लिया है। इसे हमें एकदम मीडियम गैस पे फ्राई करना है, नहीं तो क्या होगा, ऊपर की परत ब्राउन हो जाएगी और नीचे की सतह कच्चा, तो हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब हम इसे ऐसे टेढ़ा करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही हम दूसरे बैच को फ्राई कर लेंगे। तो हम ऐसे बॉल को धीरे धीरे से छोड़ेंगे क्योंकि तेल बहुत ही गर्म होता है और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमने चलाते हुए फ्राई कर लिया है। एक बैच फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट लग रहा है। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा और इसे हम चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन होना चाहिए। इसे हम निकाल लेंगे। बॉल को फ्राई कर लिया है। अब हम गैस पर दूसरी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम किए हैं, उसमें हम फोरन डाल देंगे। तो हम एक साथ में सभी फोरन को डाल देंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। फोरन चटक चुका है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। तो हम इसे आराम से छोड़ेंगे और इसे हम अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक इसका रोस्ट न चला जाए। प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं और इसे भी हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका रोस्ट न चला जाए। प्याज और लहसुन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो हम इसमें 2 बड़े चम्मच मिर्च डालेंगे। ये कश्मीरी मिर्च है, इसका कलर आता है पर तीखा कम है। थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे। 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। और साथ में हम टोमेटो प्यूरी भी डाल देंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स करके इसे भूनेंगे। टमाटर के साथ ही हम नमक डाल देंगे। इससे क्या होता है, टमाटर अपना अच्छे से गल के भून जाता है। तो हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। इससे टमाटर जल्दी गल जाता है। तो टमाटर को गलने के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे और बीच बीच में हम 2 से 3 बार चला लेंगे। टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है। तो ऐसे हम बीच बीच में चलाते हुए टमाटर को अच्छे से भून लिए हैं। अब हम डालेंगे काजू का पेस्ट। तो इसमें हम काजू का पेस्ट डाल के और इसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। काजू पेस्ट को भी हमने भून लिया है। अब हम डालेंगे होममेड क्रीम। थोड़ा सा क्रीम हम गार्निशिंग के लिए बचाएंगे।
तो क्रीम डालते हुए हम चलाते रहेंगे, नहीं तो क्रीम फट सकता है। क्रीम से बड़ा ही रिच फ्लेवर आता है। क्रीम को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी को हम हथेली से ऐसे हल्का सा क्रश करते हुए डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ग्रेवी अपनी काफी गाढ़ी है, हम यहाँ पे पानी यूज करेंगे। तो हम ग्रेवी की थिकनेस के अनुसार पानी डालेंगे, तो ऐसी ही ग्रेवी हमें चाहिए। अब हम इसे आधा मिनट तक उबाल लेंगे अच्छे से, तो अपनी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो अब ग्रेवी की थिकनेस देखिए, ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हम इसको कवर करके 1 मिनट तक पका लेंगे। हम कवर को हटा लेंगे, तो आप ध्यान से देखिए ग्रेवी पे कैसे अपना तेल क्रीम तैर के आया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें से जो एक्स्ट्रा ये पत्ती है उसे हम निकाल देंगे। अब हम इसमें का तेज पत्ता, दालचीनी, एक्स्ट्रा मसाला जो है खड़ा वाला उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि सर्व करने में ये अच्छा नहीं दिखता है। तो हम इसे एक एक करके निकाल देंगे। अब हम कोफ्ता सर्व करेंगे, तो हम डायरेक्ट ग्रेवी में कोफ्ता नहीं डालेंगे, पहले हम कोफ्ते का प्लेटिंग करेंगे। हम एक सर्विंग प्लेट में जितना हमें जरूरत है उतना बॉल्स निकाल लेंगे कोफ्ते का। तो ऐसे हम 5 से 6 बॉल निकाल रहे हैं और इसके ऊपर हम ग्रेवी डालेंगे। तो हम थोड़ा सा ग्रेवी लेंगे और कोफ्ते के ऊपर हम ऐसे सर्व करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम ग्रेवी लेंगे और कोफ्ते के ऊपर हम डाल देंगे। अब हम कोफ्ते को थोड़ा सा क्रीम से गार्निश कर लेंगे, तो हम थोड़ा सा कोफ्ते पे ऐसे क्रीम डाल देंगे। पनीर कोफ्ता बनकर तैयार है। इसे आप नॉन के साथ या पूरी पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिससे खाना चाहे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। तो अगर आज की मेरी ये कोफ्ते की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।